ये लेबनीज शोरमा रोल की रेसिपी है। इसमें हम पीटा ब्रेड और उसके अंदर की स्टफिंग दोनों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सो पहले हम पीटा ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। एक बाउल में छोटे से उसमें हम शुगर ले लेंगे और हल्का सा वार्म वाटर लेंगे, बहुत ही लाइट, क्योंकि आजकल गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्म ना लीजिए वरना ईस्ट मर जाते हैं। और ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए इसमें हम ईस्ट डालेंगे। और दूसरे बड़े बाउल में हम मैदा लेंगे, सॉल्ट लेंगे, ये बेसिक है हर ब्रेड को बनाने के लिए। फिर जब शुगर डिज़ोल्व हो जाए उसमें ईस्ट डाल के उसको कवर करके रख दें। ये विनेगर के अंदर की चिली है जो आती है विनेगर के अंदर। कुकुम्बर लेंगे, कुकुम्बर के अंदर सॉल्ट डालेंगे, विनेगर डालेंगे, पानी डालेंगे। हम पिकल कुकुम्बर बना रहे हैं। फिर हम चिकन मैरिनेट करेंगे, इसमें हम डालेंगे वाइट विनेगर, फिर इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर हम डालेंगे थोड़ा स्पाइसी वाला रेड चिली और कश्मीरी रेड चिली। ये सब आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे सॉल्ट और फिर क्यूमिन पाउडर। फिर इसको मिक्स करके अलग रख देंगे मैरिनेशन के लिए। फिर हम जो फ्लावर के अंदर सॉल्ट डाला था उसको मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है, ऊपर फॉग बन जाता है तो ये एक्टिवेट हो चुका है। फिर हम एक आटा सॉफ्ट सा गूंद के ऑयल लगा के इसको साइड में हम रख देंगे। फिर यहाँ पर हम एक जार में गार्लिक लेंगे, थोड़ा सा कर्ड लेंगे, मेयोनीज लेंगे, थोड़ा सा उसको पीस लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा लाइम डालेंगे, फिर से एक बार ब्लेंड करेंगे और ये हमारा गार्लिक सॉस तैयार है। उसके बाद ये जो आटा हमारा आधा घंटा हमने रखा, 45 मिनट्स, उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे छोटी छोटी लोई में। फिर ये हमारा विनेगर कुकुम्बर, ये हमारी मेयोनीज गार्लिक। ये वाला सॉस में हमने सिर्फ लिया है गार्लिक और लिया है रेड चिली विनेगर के अंदर और कर्ड और गार्लिक। और इस तरीके से हम सारी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे नॉनस्टिक का, उसमें हम चिकन डालेंगे, मैंने ऑयल ही डाला, आप चाहो तो डाल सकती हो। फिर उसके बाद हम इसको हल्का सा सौते कर देंगे और एक छोटी सी पैन में शैलो फ्राई करने के लिए फ्रेंच फ्राइज रखेंगे। मैंने डीप फ्राई नहीं किया, चाहो तो कर सकते हो, इट्स टोटली ऑप्शनल। उसके बाद जो हमारा चिकन है उसके जिसके अंदर मैरिनेशन किया था, थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके रख देंगे। ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ जो फ्राई हो चुके हैं, मैंने कोयले का भगा चिकन को देने के लिए सोचा क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब आप घर में बना रहे हो तो इस तरीके से अच्छे से फ्लेवर ला सकते हैं। और ये हमने कोयला जलता हुआ रखा है, इसके अंदर हम डाल देंगे। और मैंने चिकन के आसपास नहीं रखा है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखा है। उसके अंदर हम डालेंगे घी और इसको कवर करके रख देंगे और इसको साइड में रख देंगे हम ऐसे कवर करके। और यहाँ पे हमने जो सारे फ्रेंच फ्राइज रखे थे फ्राई करने के लिए, वो सब फ्राई हो चुके हैं तो इसको मैं साइड में कर दूँगी। फ्रेंच फ्राइज में मैंने कॉर्न स्टार्च और उसके बाद डीफ्रीज में हम रख देंगे। फिर हमने जो आटा गूंदा था उसको हम बेल लेंगे और गर्म तवे पे डालेंगे। उसके बाद हम उसको कवर करके रखेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए, उसके बाद उसको पलटेंगे, उसको अच्छे से सेक लेंगे। जब ये कुक हो जाए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, तो ये हमारी पीटा ब्रेड बन के तैयार है। और उसके बाद हम अब असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। तो फिर ये है हमारा चिकन, मेयोनीज, हमारा स्पाइसी वाला सॉस, सैलेड पत्ता, फ्रेंच फ्राइज, कुकुम्बर, बीट रूट को मैंने 30 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आप समझे बॉइल कर लिया था मैंने, तो इसका कड़वाहट थोड़ा कम हो जाता है। और सैलेड पत्ता ज़रूर डालें, बहुत टेस्टी है। फिर हमने पीटा ब्रेड लिया, सबसे पहले थोड़ा सा स्पाइसी वाला सॉस हम डालेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद मैंने मेयोनीज ऐड किया है, ये गार्लिक मेयोनीज। और उसके बाद हम अच्छे से इसको लगाएंगे क्योंकि वाइट वाला सॉस सबको पसंद है, ऑब्वियस सी बात है। सो बस फिर हम चिकन डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से गुड स्टफिंग ऑफ चिकन। देन ये नंबर हमारा, फिर हम डालेंगे उसके बाद इसमें जो चिलीज हैं विनेगर वाली वो भी डालेंगे। उसके बाद बीट रूट डालने के बाद हम इसमें बहुत सारा फ्रेंच फ्राइज आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अच्छा, फ्रेंच फ्राइज़ को आप तवे पे सॉटे भी कर सकते हैं अगर लेस ऑयल खाना है तो। फिर इसमें हम फ्रेश कुकुम्बर ऐड करेंगे, फिर हम ढेर सारा सैलेड पत्ता डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप कोई भी लीव यूज़ कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं। फिर उसमें मैंने और गार्लिक मेयोनीज डाला है। फिर यू नो इफ़ इट्स नॉट टाइड इट्स नॉट राइट, बहुत अच्छे से हम इसको रैप करेंगे। और रैप करने के बाद आप देख सकते हो कि मैं उसको फिर से ले जा के ऐसे टाइटली फोल्ड कर रही हूँ, फिर नीचे से इसे मैं इस तरीके से बंद कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको रैप करूँगी एंड इट्स रेडी। वाला बहुत ही यमी बना था, बहुत इजी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बाहर का शोरमा खाना भूल जाएंगे। और ये बहुत अच्छा सॉफ्ट पीटा ब्रेड बना था, बहुत ही यमी बना था। मतलब अगर आप इस रेसिपी को अगर आप फॉलो करेंगे
तो बहुत अच्छा बनेगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगें और आप मुझे इंकरेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। इन्जॉय।